हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डीजे ज़ीक्यू। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज एक यूनिक रिसीवर ले आए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे आज। तो हम देख रहे हैं हमारे सामने JBL का एक AV रिसीवर है। ये इसका जो मॉडल नंबर है JSR635। जी हाँ, इसका ये मॉडल नंबर है। इसके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका ऑफिशियल यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसके सारे सेटिंग्स, फीचर्स, कनेक्टिविटीज़, इसकी इम्पीडेंस, सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और आगे की कनेक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल AV रिसीवर है, बट बहुत पुराना AV रिसीवर है ये। फुली फंक्शनल अवेलेबल है फिलहाल, जहाँ पर आप स्टीरियो टाइप एक्सपीरियंस इस म्यूज़िक सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं। तो आइए हमेशा की तरह सिस्टम को फ्लिप कर लेते हैं, पीछे कनेक्टिविटीज़ चेक करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हैं कंपेयरिंग टू ऑप्शंस जो आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं। और उसके बाद हम जो है इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे, जिसमें आप अपने इस एम्पलीफायर को, अगर आप इस एम्पलीफायर को ओन करते हैं, आपके पास ये अवेलेबल है, तो इसे आप किस तरीके से यूज़ करके अपने एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं पीछे की कनेक्टिविटी ऑप्शंस और फिर डिस्कस करेंगे फ्रंट पैनल के फीचर्स को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा हमारे चैनल को, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस जो हैं हमारे यूज़र्स तक पहुँच सके, जिन्हें इन सिस्टम्स की कनेक्टिविटी और फीचर्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी। हम और भी AV रिसीवर्स इन द फ्यूचर कनेक्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक अपकमिंग वीडियो में आपको यामाहा का AV रिसीवर देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट वीक। एंड होपफुली और भी सारे ऑप्शंस हैं जो मैं एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए ये रिव्यू वीडियोस जो है बनाते रहूँगा। सो थैंक यू अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आइए इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने फ्लिप कर लिया है इस AV रिसीवर को, कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल एक इन्फॉर्मेशन रहे। तो मैंने इन सिस्टम्स को या इस AV रिसीवर को बेसिकली चेक करने की कोशिश की, और मैं नॉर्मली जो डेमो है वो ट्राई कर रहा था इस पर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आउटपुट नहीं मिला। जी हाँ, तो आई वॉज़ अ लिटल वरिड, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि ये जो, अगर आप लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड में जो दो पिन्स देख रहे हैं लेफ्ट एंड राइट कनेक्टिविटी पर, तो ये जो पिन्स थे ये निकले हुए थे। तो मैं उसे क्लीन कर रहा था, जो डस्ट थी उस पर वो निकालने की कोशिश कर रहा था, एंड मैंने इसे अनप्लग कर दिया था, इस वजह से ये आउटपुट नहीं दे रहा था। जी हाँ, काफ़ी यूनिक सा एक पॉइंट है जो मैंने इसके यूज़र मैनुअल के थ्रू एक्सप्लोर किया। तो आइडली जब मैंने इसे कनेक्ट किया और फिर इसके बाद इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, तो वो एब्सोल्युटली परफेक्ट काम कर रहा था। तो काफ़ी विंटेज है ये, मेड इन USA, कैलिफोर्निया, नॉर्थरिज का ब्रांड, इनका ऑफिशियल जो JBL का सेटअप है वहाँ पर इसे डिज़ाइन किया गया है। तो काफ़ी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बिल्ड है इसकी। अगर आप इसके मॉडल नंबर की डिटेल्स के नीचे आप देखें, तो यहाँ पर डॉल्बी प्रोलॉजिक एंड डबल डी सिंबल जो उसका ऑफिशियल ट्रेडमार्क है, ये इसके थ्रू सर्टिफाइड है। यानी एक्चुअली आपको ये स्टीरियोटाइप सिस्टम है, इसमें कनेक्टिविटी आपको काफ़ी कम दिख रहे होंगे। आइडियली एक 5.1 सेटअप है, मैं बताता हूँ आपको कैसे कनेक्टिविटी इसके थ्रू। एंड सबवूफर आउटपुट इसमें काफ़ी यूनिक है, बट उसको आप अपने एग्जिस्टिंग यानी अभी के जो सबवूफर है उस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो चेक करते हैं लेफ्ट साइड में, फर्स्ट ऑफ ऑल AM एंड FM इनपुट ऑप्शंस, जो कि एक राउंड पिन्स है AM के लिए और FM के लिए आपको कनेक्टिविटी एंटेना दिया हुआ है। ये मेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स है, जो जिसमें आपको मेन इनपुट में आप डायरेक्टली कोई भी म्यूज़िक सेटअप कनेक्ट करके इसका मेन वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आगे के फंक्शंस और फीचर्स वर्क नहीं करेंगे अगर आप इन्हें अनप्लग कर देते हैं। तो ये आपको एक प्रोफेशनल सेटअप में ही सिर्फ यूज़ होगा, जहाँ पर आपने मल्टीपल एम्पलीफायर्स यानी एक से ज़्यादा एम्पलीफायर्स कनेक्ट किए हो, जैसे कोई स्टूडियो हो सकता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो प्री आउट दिया हुआ है। अगेन ये दोनों को लूप करने पर ही फ्रंट फंक्शंस काम करेंगे, अगर ये पिन्स अवेलेबल नहीं है तो आपको फ्रंट फीचर काम नहीं करेगा। और जब आप इसके मेन लेफ्ट एंड राइट ऊपर की जो इनपुट है उसमें कोई भी RC केबल कनेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको बेसिकली एक आउटपुट जो है मिल जाएगा। बात करते हैं उसके नीचे सबवूफर आउटपुट के बारे में। तो
बात करते हैं एक्टिव सबवूफर के आउटपुट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सबवूफर आउटपुट जो है आपको लेफ्ट एंड राइट पिन दिख रहा है, यानी यूजुअली आपने अगर अपने मेरे प्रीवियस सिस्टम के वीडियोस को चेक किया होगा तो सबवूफर में मोस्टली आपको एक सिंगल आरसी आउटपुट आता है जो ब्लैक या येलो कलर का या वाइट कलर का ऑप्शनल होता है, बट यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड राइट सबवूफर चैनल आउटपुट दिए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी सारे स्टीरियो टाइप ही आउटपुट्स होते थे लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट के। तो आपको नॉर्मली मार्केट में एक कन्वर्जन या कन्वर्टर केबल मिल जाएगा जिसमें आप लेफ्ट एंड राइट चैनल का आउटपुट लेकर सिंगल आरसी आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग एक्टिव सबवूफर में और वो परफेक्टली काम करेगा, तो फिगर करने की कोई बात नहीं है। उसके नीचे बात की जाए इनपुट्स की, तो यहाँ पर आपको टीवी ऑक्स, सीडी, प्ले एंड रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो इनपुट के तौर पे मिल जाता है। उसके ठीक राइट साइड में आप देखें तो आपको VCR1 एंड VCR2 जो प्ले एंड रिकॉर्डिंग के लिए इनपुट एंड आउटपुट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप उसके ऊपर देखें तो VCR1 एंड मॉनिटर के लिए दो आउटपुट एंड एक इनपुट ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो इनपुट एंड आउटपुट के हिसाब से। और उसके बाजू में अगर बात की जाए तो आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिख जा रहे हैं, जहाँ पर टॉप में आपका सेंटर स्पीकर कनेक्ट होता है, फ्रंट एंड राइट उसके नीचे है। एक बार गौर करें कि इसकी इम्पीडेंस नीचे मेंशन की हुई है कि मिनिमम आपको 8 ओम्स के स्पीकर्स यूज़ करने हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रेयर स्पीकर्स यानी आपके जो सराउंड स्पीकर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट कनेक्ट हो जाएंगे और इसकी इम्पीडेंस बेयर मिनिमम 4 ओम्स की है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर ही लिखा हुआ है उसके, तो ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। इन AV रिसीवर्स की अच्छी बात ये है कि अगर आप नोटिस करें इस पर राइट साइड में आपको एक कनेक्टिविटी जैक मिल जाता है, जहाँ पर यूजुअली इसकी जो पावर केबल भी होती है उसे भी आप प्लग कर सकते हैं या फिर आप और कोई एक डिवाइस जो है इस पर कनेक्ट कर सकते हैं जो मैक्सिमम 100 वॉट्स का हो। तो ये US स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली इंडियन प्लग्स को इस पर यूज़ ना करें, मतलब और कोई इसी डिवाइस को आप कनेक्ट ना करें तो बेटर होगा, बट मैं ये रिकमेंडेशन कर सकता हूँ कि आपके जो प्लग्स हैं जो फिक्स वायर्स होते हैं नेवी रिसीवर्स के, इसमें आप सेफ्टी के लिए आप इसमें प्लग करके रख सकते हैं अगर आप इसे ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो। आइडली क्योंकि 100 वॉट्स एंड 110 वॉट्स इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं इंटरनेशनली, तो इस वजह से ये एक एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है। तो ये बात हो गई इसके बैक पैनल की, आइए फ्रंट के फीचर्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आ गए हैं हम फ्रंट पैनल पर। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसके सारे फीचर्स को क्विकली एक्सप्लोर कर लेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं इसमें यहाँ तक जितने भी राउंड बटन्स आपको अवेलेबल है ये बेसिकली इसके इनपुट स्विच ऑप्शंस है, जहाँ पर आप अलग अलग इनपुट मोड्स को जो है पीछे जो कनेक्टिविटी आप करेंगे उस पर आप स्विच कर सकते हैं। पावर स्विच ऑन बटन है, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसे स्विच ऑन कर लिया, तो ये फिलहाल FM मोड पे स्टार्ट होता है। TV ऑक्स, CD, AM FM जो भी आप मोड सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए सीक स्टीरियो, ये बेसिकली आपके AM FM के लिए हेल्पफुल है, और उसके ठीक बाजू में डाउन एंड अप ये आपके AM FM को ट्यून करता है जैसे आप देख रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं सेफ चैनल्स में इस बटन के थ्रू। अब उसके नीचे बात की जाए तो यहाँ पर आपको हेडफोन्स आउट मिल जाता है जो एक फैट पिन जैक आउटपुट है, यानी एक स्टैंडर्ड मोटे पिन का हेडफोन्स आउटपुट है जो आपके ओवर द हेड ये ईयरफोन जो आते हैं जो नॉर्मली हम बड़े हेडफोन्स यूज़ करते हैं स्टूडियो वाले, ये उनके लिए होते हैं। आप कन्वर्टर पिन लेकर नॉर्मल हेडफोन्स भी इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाईपास, बेसिकली आपको बाईपास में जो है सिर्फ स्टीरियो मोड मिल जाता है, यानी इसे प्रेस करने पर आपको कोई फीचर नहीं डिस्प्ले होगा, बट आप एक मोड से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सराउंड मोड का जो बटन है उसे मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रो लॉजिक इस पर लिख कर आता है एक सर्टन मिलीसेकंड्स के वॉल्यूम और डिले के साथ, यानी अगर आप इसके वॉल्यूम को इंक्रीज भी करते हैं, आप देख रहे हैं कोई वॉल्यूम इस पर स्विच नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज या कोई नंबर नहीं होता है, तो आपके वॉल्यूम नॉब के जो मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे इसका ऑडियो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे मैनेज करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाईपास एक प्रेस करने पर ये प्रो लॉजिक से एग्जिट हो जाएगा और आपको ये नॉर्मल स्टीरियो यानी लेफ्ट एंड राइट चैनल स्पीकर्स में सिर्फ ऑडियो देगा। उसके राइट साइड में बात की जाए तो बेस ट्रेबल एंड बैलेंस का ऑप्शन है। बेस ट्रेबल इंडिपेंडेंट सारे स्पीकर्स पे इंप्लीमेंट होता है सराउंड को छोड़कर, तो यानी आपके फ्रंट स्पीकर्स में फ्रंट लेफ्ट राइट स्पीकर्स में ये ज़्यादा आपको इम्पैक्ट दिखेगा अगर आपने हैवी स्पीकर्स लगाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 8 ओम्स
मिनिमम है इस पे, यानी कि आप इस पर अच्छे खासे बड़े स्पीकर्स लगा सकते हैं, 8 inches, 10 inches, 12 inches के स्पीकर, प्रोवाइडेड कि वो अच्छे मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के हो या किसी ब्रांड के हो जिस पर इम्पीडेंस मेंशन हो। लोकल स्पीकर्स पे इम्पीडेंस नहीं होती है, उनकी कॉइल्स वीक होती हैं, वो दिखने में बड़े होते हैं, तो उस चीज़ से आप प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन स्पीकर्स पे जो रिवर्स पावर आता है उससे आपके ये AV रिसीवर डैमेज हो सकते हैं। और बैलेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपके जो लेफ़्ट एंड राइट चैनल आउटपुट्स हैं उसको आप चेक करने के लिए बैलेंस को लेफ्ट या राइट में आप मूव कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू ये आपको लेफ्ट एंड राइट पे जो है मूवमेंट या ऑडियो आउटपुट जो है एक्सप्लेन कर देगा। अब यहाँ पर जो सेंटर है, यानी जो अगर आप इस नोट आप इसे फिजिकली मूव करेंगे तो आप फील करेंगे कि ये बीच में लॉक हो जाता है, जो इसकी स्टैंडर्ड आउटपुट जो है फ्लैट आउटपुट होती है बेस और हाइज की या ट्रेबल की, वो वहाँ पर आके लॉक हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसे एक्सटेंड या इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बात की जाए उसके ठीक साइड में, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक इनपुट ऑप्शंस VCR2 का। अब यहाँ पर कलर आपको फेडेड आउट दिख रहे हैं, ये बेसिकली येलो वाइट एंड रेड है। तो कनेक्टिविटी अगर आपके पास ये सिस्टम अवेलेबल है तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके बेसिस पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं ऑडियो के लिए एंड वीडियो के लिए, यानी ये वीडियो के लिए लेफ्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन एंड ऑडियो के लिए उसके ठीक बाजू में। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई एम श्योर कि ये AV रिसीवर काफ़ी यूनिक और विंटेज कैटेगरी में आ जाता है, एंड फिर भी हमारे पास वर्किंग अवेलेबल है। ऑफिशियली मैं इन सिस्टम्स को रिव्यू करने के बाद मतलब आप लोगों को या आपके थ्रू जो भी रेफरेंसेस आते हैं उन्हें मैं ये सेल ऑफ कर देता हूँ, या आप जैसे आप कह सकते हैं आप प्री ओन्ड वर्किंग डिवाइसेस मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप इसे ओन करना चाहें तो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेज में ये मिल जाते हैं मेरे पास, एंड आई एम श्योर कि आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को ज़रूर एनहेंस करने में ये मदद करेंगे, क्योंकि ये JBL का ब्रांडेड AV रिसीवर है, अगेन मेड इन US। तो फॉर श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसका एक शॉर्ट डेमो वीडियो यानी ऑडियो चेक का वीडियो मैं अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, क्योंकि मुझे इसके लिए मैचिंग टावर स्पीकर्स चाहिए, थोड़े से विंटेज टाइप्स, तो मैं उन्हें हंट कर रहा हूँ, बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर कनेक्ट करके आपको एक विंटेज फील वाला एक एक्सपीरियंस दे सकूँ। तो एक डेमो वीडियो ज़रूर मैं जल्दी बनाऊंगा इस AV रिसीवर के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग DJZQ।